आज मैं बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट आलू के चिप्स। ये आलू के चिप्स सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएंगे, और नहीं इसमें हमें आलू को उबालना है और ना ही धूप में सुखाना है। एकदम झटपट और बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाएंगे हमारे इंस्टेंट आलू के चिप्स। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 3 आलू। आप जितनी आलू के चिप्स बनाना चाहते हैं उतनी आप ले सकते हैं। ये चिंग सोना आलू है। मैंने ये आलू इसलिए लिया है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा कम होती, स्टार्च कम होता है, लेकिन आप कोई भी आलू से ये चिप्स बना सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए हमें कोई स्पेशल टाइप के आलू लेने हैं। इस आलू को पहले मैंने बढ़िया से धो लिए हैं, अब हम इसका छिलका उतार लेते हैं। और ये देखिए, इस तरह से मैंने सभी आलू को छील लिया है। अब हम लेंगे इस तरह का आलू वाला स्लाइसर, जिसमें इस तरह का ब्लेड होता है। इससे एकदम परफेक्ट आलू के स्लाइस बनेंगे। इसे हम सारे आलू को स्लाइस कर लेंगे, बिल्कुल पतली पतली स्लाइस करेंगे, ज़्यादा मोटी मोटी, या फिर कभी कभी क्या होता है कुछ स्लाइस में बहुत मोटा मोटा स्लाइस कटने लगता है, यानी गैप ज़्यादा होने के कारण बहुत ज़्यादा मोटे स्लाइस निकलने लगते हैं, फिर उससे आपके चिप्स मुलायम पड़ जाएंगे। इसलिए कभी भी आप पोटैटो स्लाइसर ले तो अच्छे से देख के परचेज करें। इस तरह से पतले पतले स्लाइस हमें करने हैं, तभी तो क्रिस्पी बनेंगे आलू चिप्स। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट। इस तरह से हमने सारे आलू को स्लाइस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इन आलू स्लाइस को पानी में अच्छे से धो लेंगे। ये स्टेप हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आलू में जो स्टार्च होता है, अगर हम इसे धोएंगे नहीं तो स्टार्च की वजह से आलू चिप्स हमारे लाल पीले हो जाएंगे। अब इसे पानी में धोकर एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। इसके ऊपर मैंने इस तरह की छलनी रखी है, इन आलू को इसमें निकाल लेते हैं ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से निकल जाए। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि आलू में जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसे हमें सुखाना है, तो हम इस तरह का साफ मोटा टॉवल लेना है। अब इस सारे चिप्स को यानी स्लाइस को इस पर फैला देंगे। एक भी आलू चिपके नहीं रहने चाहिए। एक एक स्लाइस को इस तरह थोड़ा थोड़ा गैपिंग देके फैला देंगे। ये देखिए, सारे आलू को हमने फैला दिया है। अब इसके ऊपर ये आधा बचा खाली टॉवल से इसके ऊपर ढक देंगे और इस तरह से हल्के हाथों से दबा दबा करके इसको सुखाना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा नमी है वो सूख जाए। इसमें ज़रा भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि ये सूखा है या नहीं। ये लगभग सूख ही चुकी है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ी सी भी नमी है तो किचन टिश्यू से इसे इस तरह से पोंछ लें। या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं। बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहने चाहिए चिप्स में, नहीं तो इससे क्या होंगे कि चिप्स हमारे ज़्यादा तेल पी लेंगे, और अगर सूखी होगी तो कम तेल में बढ़िया चिप्स करारे फ्राई होंगे। अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। तो इसके लिए हमें एक भारी तले की कढ़ाई का यूज़ करना है। हल्की वाली कढ़ाई ना लें, इस तरह की जो चदरे वाली कढ़ाई होती है वो भारी होती है, वही लें। तो यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई में तेल गरम किया है। चिप्स फ्राई करने के लिए तेल हमारा एकदम हाई गरम होना चाहिए। तो इसके लिए एक चिप्स इसमें डालकर देख लेते हैं कि तेल कितना गरम है। गैस का फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे। तो यहाँ पर जो तेल है वो चिप्स तलने के लिए एकदम परफेक्ट गरम है। तो जो चिप्स है वो हम एक एक करके इसमें डालते जाएंगे, एक साथ मुट्ठी बना करके नहीं डालें, और ज़्यादा स्लाइस इसमें नहीं डालें, जितनी इसमें आ सके उतनी ही डालें। अब ये देखिए कितनी बबल्स आ रहे हैं इसमें, एकदम से बुलबुले उठ रहे हैं। तो हमें इस चिप्स को तब तक फ्राई करना है जब तक ये बढ़िया क्रिस्पी ना हो जाए, और ये जो बबल्स की आवाज़ है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगेगी। तो इसे हम पलट पलट करके फ्राई कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये जो बबल्स हैं वो डाउन पड़ रहे हैं, यानी कि हमारे जो चिप्स हैं वो सिकते जा रहे हैं। और ये देखिए, अब जो बबल्स हैं वो एकदम से थम गए हैं, बिल्कुल भी उठ नहीं रहे हैं, साउंड ख़त्म। तो इसका मतलब है चिप्स बिल्कुल तैयार है। और इस तरह से आप इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लें।
कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसे किचन टिश्यू पर निकालें, इसे आप डायरेक्ट इस तरह के बड़े बर्तन में निकाल लें। और आप सुनिए आवाज़ को, सुना ना आपने, ये देखिए एकदम बढ़िया कलर और बढ़िया क्रिस्प। अगर आप इसे टिश्यू पर निकालते तो स्टीम आने की वजह से चिप्स हमारे मुलायम पड़ जाते, ये ठंडे होने के बाद और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। और इसी तरह फ्लेम को हाई रखते हुए बाकी के चिप्स को भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने दूसरे तीसरे बैच आलू को भी फ्राई कर लिया है और ये देखिए सिर्फ 3 आलू से मैंने ढेर सारे चिप्स बना लिए हैं और ये कितने प्यारे सुंदर कलर आए हैं, बिल्कुल बाजार जैसे, जो हम मार्केट से लाकर खाते हैं बिल्कुल वैसे ही, कितने क्रिस्प बने हैं ये देखिए। ज़बरदस्त टेस्टी पोटैटो चिप्स के लिए हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर और इसे डालने के बाद हम इसे इस तरह कर लेंगे शेक। ऐसा करने से नमक और मिर्च सारे चिप्स पर अच्छी तरह से लग जाएगा। अगर आप इसे व्रत में खाना चाहते हैं तो नमक मिर्ची कुछ भी मत डालिए, सिर्फ सेंधा नमक यानी कि फ्रूट सॉल्ट, और इसे व्रत में यूज कीजिए। और इस तरह से चिप्स बन जाने के बाद जब ये ठंडे हो जाए तो आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लें, आसानी से महीने भर इंजॉय कर सकते हैं। तो देखा ना आपने ये आलू के चिप्स को बनाना कितना आसान है। मैक्सिमम इस चिप्स को बनाने में 5 से 7 मिनट का वक्त लगता है। अभी इस आलू के चिप्स को तुरंत बनाएं और तुरंत खाएं। आप भी इस रेसिपी के जरूर ट्राई करें, 100% आपके भी चिप्स बढ़िया ही बनेंगे। तो उम्मीद करूंगी कि आप सभी को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ढेर सारे लाइक्स कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स सोशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं।